मकर राशि वालों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, मर जाना लेकिन एक चीज घर से बाहर मत करना, मात्र दो दिन बचा है, जल्दी देखो। क्योंकि दोस्तों आज शाम के 6:50 के उपरांत जो होने वाला है सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी बदलाव आप सभी के जीवन में होने वाले, जो आज तक आपने कभी सपने में नहीं सोचा था, अब ऐसी घटना आपके जीवन में हकीकत में होने वाली है। इसे देखकर आपके जीवन में ऐसा लगेगा जैसे कोई सपना देख रहे हो। जी हां दोस्तों, लेकिन आप सभी को बता दें कि यह भगवान का लीला है, भगवान का दिया वरदान है, भगवान का दिया हिसाब महत्वपूर्ण समय है, जो आपके कर्मों ने तय किया है, जो आपकी अच्छे स्वभाव अच्छे गुना ने भगवान से हासिल किया है। अब इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, अन्यथा जीवन भर पछताओगे। बस आपको क्या करना है, एक चीज है जिसे आपको अपने घर से बाहर नहीं करना है, इसे आपको अपने घर के एक जगह पर रखना है। कौन सी जगह है और कौन कौन सी बातें, सभी बातें विस्तार से बताने वाले वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आपकी सोच से बिल्कुल ही परे होने वाला है। तो हम आपसे इतना निवेदन करेंगे कि वीडियो को अंत तक ध्यान से लिखिएगा, आप सभी का जीवन बदल जाएगा, हम इस बात की गारंटी लेते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, अपने घर के ब्रह्म स्थान में चुपचाप लाकर रख दी। एक चीज और, इसे आपको इस प्रकार से रखना है कि लोगों की इस पर कभी भी सीधी नजर ना पड़े और फिर आप देखें कि आपकी जिंदगी में कैसे बढ़े, भाग्य चमत्कार होती है। प्यारे दोस्तों, इस एक चीज का इतना बड़ा शास्त्रीय विधान है, इसके विषय में अलग अलग शास्त्रों और पुराणों में अलग अलग जगह पर कहीं विशेष प्रमाण और उपयोग करने के तरीके बताए गए हैं। इसी के साथ साथ एक वस्तु का ज्योतिष शास्त्र में भी बड़ी ही गहराई के साथ वर्णन मिलता है। लाल किताब में भी एक चीज का बड़ा विधान बताया गया है। इस चीज के प्रयोग से, यानी आपके घर के ब्रह्मस्थान में छुपाकर रख देने मात्र से, आपके ऊपर चाहे किसी भी प्रकार की ग्रह दशा, महादशा या फिर कोई भी अनिष्ट ग्रह योग ही क्यों ना बना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप कह सकते हैं कि इस एक चीज के प्रयोग मात्र से आपके घर के आसपास और आपकी स्वयं की आसपास भी एक ऐसा विशेष रक्षा कवच तैयार हो जाएगा, जो आपको हर एक प्रकार की अला बला नजर और किसी भी अनिष्ट योग से बचाव का कार्य करेगा। तो अब कौन सी है, वह एक चीज है और उसे किस प्रकार से, किस दिन, किस समय और किस विधि के साथ अपने ब्रह्म स्थान में आपको चुपचाप लाकर रख लेना है, सब कुछ आपको आगे हम ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। बस आपको पूरे धैर्य के साथ ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखना है। एक बात हम आपको यहाँ पर पहले ही बता दें कि जो भी बातें हम आपको आज इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताएंगे विभाग बहुत ही गुप्त हैं और बेहतर यह होगा कि आप भी इन बातों के बारे में किसी से भी चर्चा ना करें, चाहे वह आपका अपना ही हो, कोई रिश्तेदार, दोस्त, मित्र या फिर कोई भी कितना ही खास क्यों ना हो, आप इस विषय में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। पहले आपको इस चीज का प्रयोग स्वयं के ऊपर करना है, फिर आप इससे होने वाले लाभ का अपने जीवन में आनंद लेंगे और इसके बाद जब आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ जाएंगे, यानी कि अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर यदि आपको कोई लगता है दीन दुखी परेशान है, उसकी मदद करनी चाहिए, तो उसी आप इस विषय में कुछ जानकारी देंगे। लेकिन पहले ही यदि आप इसके विषय में लोगों को बताने लग जाएंगे तो आपका यह उपाय पूरी तरह से विफल हो जाएगा। इसका कारण हमारी शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जोग जुगत और मंत्र उपाय फल ही तबाही, जब करें दुराव, यानी कि जो भी हो पाए हैं मंत्र हैं, इन्हें आप पाकर रखना पड़ता है जब तक कि यह आपके जीवन में पूर्ण रूप से फलित नहीं हो जाते हैं।
एक बार यह आपके जीवन में पूर्व फलित हो जाए, इसके बाद फिर आप किसी को बता सकते हैं, कोई बुराई नहीं होगी। जिस प्रकार का कि आपने कोई पौधा रोपित किया, जब तक कि वह पौधा पूर्ण रूप से फलित ना हो जाए, यानी कि मजबूत भ्रष्ट ना बन जाए, तब तक उसे छुपा कर रखना पड़ता है, उसकी देखभाल बहुत करनी पड़ती है, अन्यथा कोई भी जानवर उसे खा जाएगा और वह पनपने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। फिर एक बार यदि वह मजबूत वृक्ष बन जाए तो फिर उसका कुछ नहीं बनता है, वह अपने आप ही सोते ही जीवन भर फल देता रहता है। ठीक इसी प्रकार उपाय और मंत्र भी कार्य करते हैं, तो आपको इन बातों की गहराई को समझना होगा। मित्रों, लोग अक्सर यही करती हैं, बात को पूरी सुनती नहीं है, समझते नहीं है, उसे कैसे प्रयोग करना है, उसका कैसे लाभ लेना है, ये पूरी तरह से समझे कि नहीं, आधा अधूरा उपाय करेंगे, आधी अधूरी बात समझेंगे और मन में किसी भी प्रकार का भाव भी नहीं रखेंगे। उसके बाद फिर कहेंगे कि हमारे ऊपर तो इस उपाय ने कोई कार्य नहीं किया। तो प्यारे दोस्तों, आप खुद ही समझ सकते हैं कि हर एक कार्य का एक विधान होता है। डॉक्टर ने अगर आपको कोई दवाई दी है तो साथ में कोई ना कोई परहेज भी बताता है। जब तक आप परहेज नहीं करेंगे, दवाई का असर पूर्ण रूप से आपके ऊपर नहीं होगा, बीमारी जाएगी नहीं। थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो यह सावधानी और बचाव भी उतना ही आवश्यक होता है जितना कि उपाय उम्मीद है। आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो बस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें और आज के इस चमत्कारी ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को एक झटके में बदल डालें। तो चलिए आज की स्पेशल चमत्कारी ज्योतिष कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भाव के साथ आंखें बंद करके माता संतोषी को याद करके लिख डालें। जय मां संतोषी, कृपा करो, एक बार नहीं तीन बार लिखना प्यारे दोस्तों। मां आपकी इस करुण पुकार को सुनेंगे और आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होने लगेंगे। प्यारे दोस्तों, इस संसार में कुछ भी नहीं है सिवाय एक भाव के। यदि आपका भाव प्रबल है तो माता रानी को आपके जीवन को संवारने के लिए आना ही पड़ेगा। ये दोस्त प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने अपने नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजे थे, स्थान भेजा था, उनके नाम से हमने शनिवार को होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आहुतियां करवा दी हैं। अब बहुत ही जल्दी उनके जीवन में चमत्कार ही बदलाव आएंगे, उन्हें अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी, माता की सीधी कृपा उन्हें प्राप्त होने लगेगी। तो चलिए प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुने जो हम आपको बता नहीं जा रही हैं, वह भी हद ही आवश्यक है। आज के समय में जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, उनके अनुसार कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना है जी। प्यारे दोस्तों, अगले तीन दिनों तक कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपकी ग्रह दशा के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। हम आपको बता दें कि इन कार्यों को करने से आपको केवल और केवल नुकसान होगा, जैसे कि रोपाई कालीन देना। प्यारे दोस्तों, अगले तीन दिनों तक आपको किसी भी प्रकार का बड़ा रुपयों का लेन देन नहीं करना है। कोई आपसे उधार मांग रहा है, यह आपको किसी को पेमेंट करनी है, व्यापार बिजनेस से जुड़ी हुई पेमेंट हो या किसी भी प्रकार का बड़ा लेन देन हो, आपको नहीं करना है। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, आपको भारी मशीनरी का प्रयोग और वाहनों का प्रयोग और किसी के साथ किसी भी विषय पर गहरी चर्चा करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी है। यदि आप जरा सी लापरवाही करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको हानि होगी। इसका कारण यह है कि शनि आपके हानि भाव में गोचर कर रहे हैं। अगले तीन से पांच दिनों तक शनि का यही गोचर बना रहेगा और इसका प्रभाव आपके ऊपर यह रहेगा कि शनिदेव आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानी अवश्य खड़ी करेंगे। अब सीधे तौर पर आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको लापरवाही करने का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ और चीजें हैं जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। अब जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उन्हें अपने काम धंधे व्यापार में मन के अनुसार परिणाम हासिल नहीं होंगे, जिससे उनका मन दुखी रह सकता है, स्वभाव थोड़ा सा दिन हो सकता है।
चिड़चिड़ा स्वभाव होने की वजह से अपने ही घर में नकारात्मक माहौल उत्पन्न कर लेंगे। कहीं से उन्हें गुस्सा आएगी और कहीं किसी और व्यक्ति पर वह गुस्सा निकलेगी। इसका नतीजा यह होगा कि आप अपनी ओर एक भयंकर नकारात्मकता को आकर्षित करेंगे। अपने बने हुए काम आप स्वयं ही बिगड़ने लगेंगे। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि आपको कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा। यह प्यारे दोस्तों, आपका पैसे का मामला यहीं, यदि आपका पैसे का कोई मामला यदि अटका पड़ा था, यानी कोई लेन देन था जिसमें आपके पैसे रुके हुए थे, तो आपको अब वे वापस मिलने के योग्य बन रहे हैं। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि जीवन साथी के प्रति भी आपका रवैया अच्छा रहेगा। जीवन साथी भी आपको सकारात्मक रवैया देंगे। कहने का मतलब यह है कि आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। अब थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी, उसकी 16 हो जाएगी और आपस में प्रेम बना रहेगा। आपको नकारात्मक परिस्थितियां होने के बावजूद भी असली ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन साथी से प्राप्त होती रहेगी। इससे आपका मनोबल तो बड़ा रहेगा ही साथ विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ऊर्जा भी आपको प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम एक बात और आपको बता दें जो आपको परेशान कर सकती है, कि आपको दूसरों के मामलों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। किसी का विवाद है, कोई लेन देन है, कोई झगड़ा है, आपको बीच में सुलह कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे होगा यह है कि वह झगड़ा आपके ऊपर आ जाएगा, आप बीच में फंस जाएंगे और आप किस समय और ऊर्जा दोनों ही खराब हो जाएंगे। अब एक सबसे जरूरी बात है कि आपको पैसे को लेकर सतर्क रहना है। फिजूल खर्ची के अवसर पर रही है, कोई एक ऐसा मौका आएगा जिसकी वजह से आपसे जरूर से ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। तो थोड़ा सा आपको अपने पैसों के बारे में और अपने बजट के बारे में सतर्क रहना है। सोच समझकर ही खर्च करना है, दिखा भी बाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है और जहां जितनी आवश्यकता है वह उतना ही पैसा खर्चा करना है। पैसे को पकड़कर रखने की कोशिश करें, बचाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके जीवन में पैसे को लेकर समस्या लंबे समय से बनी हुई है और अक्सर आपको पैसे को लेकर समस्या बनी ही रहती है। यानी आपके पास पैसा रुक नहीं पाता है, आप उसे संभाल कर रख नहीं पाते हैं। अब समय चाहिए। आपको हम पैसे के मामले में कुछ जरूरी बातें समझाते हैं। पहली तो चीज यह है कि यदि आप पैसे को कागज का या सिक्कों का स्वरूप मानकर चलती है, तो आप फेसबुक की मामले में सही समझ अभी रखते नहीं हैं। आप समझिए कि पैसा क्या है। ऐसा असल में एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा को हम माता लक्ष्मी के नाम से जानते हैं, इसलिए हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, न कि रुपए पैसे की, कागज की ओर से को के पैसे की। अब चांदी के सिक्कों का जो हम पूजन करते हैं, उस पर माता लक्ष्मी का चित्र बना रहता है, गणपति का चित्र बना रहता है, जिसका हम माता लक्ष्मी की ऊर्जा स्वरूप में ही पूजन करते हैं। जिन रोगियों को हम चलाते हैं, उनका पूजन हम नहीं करते हैं, शास्त्रों में भी यह निश्चित है। तो अब आपको अपने आसपास ऐसा वातावरण तैयार करना है ऊर्जा का, जिससे कि धन की ऊर्जा यानी माता लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित हो, आपके पास हमेशा बनी रहे और एक बार आ जाए तू जाने का नाम ना ले। दोस्त, सारा खेल उड़ जाओ का है। इसके लिए आपको छोटे छोटे कुछ उपाय करने होंगे। इन उपायों के माध्यम से आप माता लक्ष्मी की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो जाएं। ध्यान से सुनिए, कुछ जरूरी उपाय हैं। पहला तो उपाय यह है कि आप जब भी रुपए किसी को दे रही हैं, किसी काम के लिए, चाहे आपने कुछ खरीदा है या आप किसी को उधार दे रही हैं, कुछ भी है, आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, अब चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट ही क्यों ना कर रहे हो, आप अपने मन में एक नंबर याद रखना है, 7 8 9 7 8। अब आपको मन में ऐसा बोलना, 7 8। अनंत होकर वापस आना, जब आप किसी को पेमेंट कर रही हैं तो मन में 2-3 बार आपको यह बोलना है, 7 8 9 होकर वापस आना और आप तुरंत पैसे दे दीजिए। अभी से ये होगा कि आप किसी को रुपए देंगे तो उसके पास कागज के नोट जाएंगे, लेकिन ऊर्जा आपके पास ही रह जाएगी। अब इसका मतलब यह हुआ कि
कि जो नोट आपके पास से गई हैं, अभी तुरंत किसी न किसी रूप में आपके पास वापस लौट कर भी आएंगे। से 108 अंक शास्त्र का एक बेहद ही चमत्कारी नंबर है और यह माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए विशेष तौर से प्रयोग किया जाता है। अब आपको दूसरा प्रयोग यह करना है कि आपके दाहिने हाथ किया नहीं, जिस हाथ से आप रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, उस हाथ की हथेली में जो शुक्र पर्वत है, यानी आपके अंगूठे के नीचे जो जल वाला भाग है, उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, उस पर आपको हरीश रंग से 708 लिख लेना है, यानी 708 लिख लेना है और उसे एक त्रिकोण में बंद कर देना है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इतना करने से माता लक्ष्मी की ऊर्जा आपके पास हमेशा याद रहेगी। आप जिसको भी जितने भी पैसे किसी न किसी रूप में कई गुना बनकर आपके पास वापस आ जाएंगे, यानी कि पैसे का सही रूप आप समझ पाएंगे और उसे कैसे उपयोग करना है यह भी आप समझ जाएंगे। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, आपको एक छोटा सा कार्य और करना होगा। अपने घर की किचन में जहां आपका खाना बनता है, वहां जो पानी का बर्तन है, उस पानी के बर्तन के ऊपर आपको एक कटोरी में थोड़ा सा अनाज रखना है। आप गेहूं रख सकते हैं, चावल रख सकती है। चावल रखे तो वह सर्वोत्तम रहेगा। एक कटोरी में चावल रखें और उस चावल के ऊपर आप शाम के समय यानी कि 6 धा और 7 हवार के बीच में एक दीपक अवश्य जलाएं। गाय के घी का दीपक जलाना है। अब जो आपके घर में किचन में पानी का जो बर्तन है, उसे भी आप किचन की उत्तर दिशा में रखें। यह जल की दिशा है, धन की दिशा है। कुबेर की जैसा है तो इस दिशा में रखेंगे तो जल का जो पात्र है वह धन का सूचक होता है। हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष में भी जल का संबंध सीधे तौर पर धन से माना गया है। तो जब आप इसे अपने किचन की उत्तर दिशा की दीवार के पास रखेंगे और वहां पर एक गाय के घी का दीपक जलाएंगे तो इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। अब शिव पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है कि जो इंसान अपनी रसोई घर में जल के पात्र के ऊपर गाय के घी का एक दीपक शाम के समय जलाता है, उस इंसान के घर में माता लक्ष्मी कभी भी रो नहीं होती है। और जहां माता लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं, वहां कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती हैं। तो बस इस उपाय को आपको रोज करना है और आप देखेंगे कि आप माता लक्ष्मी को यानी कि धन की असली ऊर्जा को अपने पास रख पाने में कामयाब हो जाएंगे। फिर चाहे आप पैसे का कितना ही लेन देन करें, कागज के नोट या सिक्कों का कितना ही लेन देन करते रहे, वह इधर नहीं है। धन है ऊर्जा, ऊर्जा आपके पास रहना आवश्यक है। कागज के नोट तो आते जाते रहते हैं, एक बार आपने पूजा को आकर्षित करना सीख लिया तो कागज के नोटों का आना आपके पास है। तो यह तो थी सारी बातें जो आपके जीवन को सरल बनाने के लिए ज्योतिषीय आकलन के आधार पर आपको बताई गई थी। अब ध्यान से सुनिए, हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसी चीज के बारे में जिसके बारे में आपको जाना भी हर ही आवश्यक है और यह बेहद ही गुप्त है। कोई इसके बारे में जानता ही नहीं है और जो जानते हैं वह किसी को बताते नहीं है। तू ध्यान से समझिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस विशेष गुप्त चीज के बारे में। उसे आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान में रख देना है। प्यारे दोस्तों, इस चीज का संबंधित माता तुलसी से है। अब तुलसी असल में वृंदा का ही रूप है, दूसरा जन्म है और वृंदा का भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय है। इसीलिए वृंदा को भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया था कि तुम जब अगले जन्म में तुलसी बनोगी तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। शालिग्राम के रूप में तू हमेशा आपने देखा होगा कि जिन लोगों के घरों में तुलसी जहां भी होती हैं, तो तुलसी के उसी गमले में काले रंग का एक गोल पत्थर भी रखा रहता है जिसे हम शालिग्राम कहते हैं। वह भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वह स्वयं भगवान विष्णु वास करते हैं और जिसके यहाँ भगवान विष्णु वास करते हैं वहां माता लक्ष्मी का आना तो तय है। तो अब आप ध्यान से समझिए कि आपको क्या करना है। प्यारे दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी मैया रोहित हैं, वहां पर आप देखेंगे कि तुलसी की कुछ ऐसी होती होती है जो सूख जाते हैं, और जब सूख जाते हैं तो लोग अक्सर उन्हें निकालकर या तो फेंक देते हैं या कहीं पर विसर्जित करने के लिए रख लेते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, शिव पुराण में इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताया गया है।
आप तुलसी की दो शाखाएं हैं, उन शाखाओं को चंदन के साथ घिसकर हरि चंदन बना सकते हैं, जो कि भगवान विष्णु को बहुत अधिक, पर इसीलिए इसे हरिचंदन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुलसी के पौधे की जो सूखी हुई जड़ होती है, उस जड़ का आप बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली उपाय बनाकर अपने घर में रख सकते हैं। इससे भगवान विष्णु की सीधी कृपा आपको प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में लोग इस उपाय को कर लेते हैं, उस घर में फिर कभी पैसे को लेकर खींचतान नहीं होती है, कर्जा नहीं होता है, काम धंधा व्यापार में अद्वितीय उन्नति प्राप्त होती है, किसी भी प्रकार का घरेलू क्लेश नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर डीपी शक्तियों का वास हो जाता है। तो अब आप ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। यदि आपके घर की तुलसी मैया भी सूख गई है, कुछ पौधे सूख गए हैं, तो आपको उनकी जड़ का प्रयोग करना है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, उस पौधे से आप जड़ को काटकर अलग कर लें, उसे छूकर पवित्र कर लें, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर उसे शुद्धता प्रदान करें। फिर शुक्रवार के दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद आपको एक लाल रंग का पूरा कपड़ा लेना है। उस कपड़े में आपको तुलसी मैया की उच्च को रखना है, साथ ही सादर हल्दी और चंदन से उजड़ कालेपन करना है, थोड़ी सी चावल और साथ लक्ष्मी कोनिया भी रखनी है, इसी के साथ साथ एक छोटा सा चांदी का चौकोर टुकड़ा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यदि ना मिले तो शादी का एक सिक्का भी चलेगा। और इसके बाद साथ गोमती चक्र और साथ कमल घट्टे। प्यारे दोस्तों, इस संपूर्ण सामग्री माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। अब तुलसी मैया की जड़ के साथ मिलकर इन सामग्रियों की ऊर्जा कई गुना प्रबल हो जाती है। तो आपको इन सारी सामग्रियों को लाल रंग के कपड़े में लपेट लेना है और लाल रंग के धागे से ही इसे बांधकर एक पोटली का स्वरूप दे देना है। अब पोटली का भी प्यारे दोस्तों बहुत बड़ा शास्त्रीय विधान है। प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि सोने की मोहर है, यह रुपए पैसे का लेन देन करने के लिए लोग वोटली का ही प्रयोग किया करते थे। अब ध्यान से समझे कि पोटली का प्रयोग क्यों करते थे। आपने पोटली का स्वरूप देखा होगा, उसका पेट बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका मुख्य बहुत छोटा होता है। कहने का मतलब यह है कि आप उसमें पैसे रुपए रखेंगे तो उसके बाहर निकलने के मौके बहुत ही कम हैं। यानी कि आप यदि पोटली में माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई सामग्री रखते हैं, कुछ रुपए कैसे रखते हैं, तो उसके बाहर निकलने के अवसर बहुत ही कम है। उसे बाहर निकालने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। बिना मेहनत और प्रयास केवल बाहर नहीं निकलेगी, वह कैद हो जाएगी। इसीलिए पोटली का प्रयोग प्राचीन काल में किया जाता था, ताकि माता लक्ष्मी ऊर्जा कैद हो जाए, आपके पास निवास करने लगे, आपसे बाहर ही ना निकल पाए। लेकिन अब आज के समय में लोग पर्स का प्रयोग करने लगे हैं, जो कि हमेशा खुले ही रहते हैं, उनका मुख्य बंद ही नहीं होता है। इसका नतीजा यह होता है कि पैसे की आवक तो होती है, लेकिन उसी रफ्तार से पैसे निकल भी जाते हैं, बचते ही नहीं है। तो इन छोटी छोटी बातों को देखने सुनने में तो पता नहीं चलता कि क्या ज्यादा प्रभाव होगा, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो अब आपको भी यह पोटली बना लेनी है, इसे तुलसी पोटली कहा जाता है। अब आपको शुक्रवार के दिन यह पोटली बनाकर अपने पूजा घर में रखी है, माता लक्ष्मी का आवाहन करना है और माता लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने हैं, लाल रंग का प्रसाद अर्पित करना है, साथ ही साथ गाय के घी का दीपक जलाना है और कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का 108 जाप करना है। जी हां प्यारे दोस्तों, मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा और हम आपसे बोल भी रहे हैं, तो ध्यान से सुने और देखें और इसे नोट। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम हरीम श्री ओम स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुनाओ, ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी स्वाहा। तो इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, इस प्रक्रिया के बाद आपकी यह तुलसी पुतली अभिमंत्रित हो जाएगी। अब आपको पूरे दिन के लिए इसे अपने पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की चरणों में समर्पित करके रखी रहने देना है। इसके बाद शुक्रवार के दिन ही
रात्रि के समय यानी 9 संदीर और 10 जारक के बीच इसी आपको अपने घर की ब्रह्मस्थान में किसी ऐसे स्थान पर रख देना है। ब्रह्मस्थान यानी कि अपने घर के आंगन में किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जिस पर कि लोगों की सीधी नजर इस पर ना पड़े। ये प्यारे दोस्तों, इसे छुपाकर रख देना। अब यदि कोई सामान आपका है जो ब्रह्मस्थान में रखा है तो उसे उसके आसपास छुपाकर रख दे, उसके नीचे रख दे, अंदर रख ले। यदि तुलसी का गमला आपके ब्रह्मस्थान में है तो इसे उस गमले के अंदर छुपाकर रखने, उसके नीचे रख ले, यानी कि किसी भी इस प्रकार से रखें कि लोग इसे देख ना पाए। अब एक और जरूरी बात प्यारे दोस्तों है कि जब आप इस उपाय को करें, इस पोटली को बनाएं और इसे छुपाकर रखें, उस समय जितना हो सके कम से कम लोग ही इसे आपको करते हुए देखें और इसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं बोलना चाहिए। इसे जितना हो सके उतना कुत्ते बनाने की कोशिश करें, तभी इसका प्रभाव और फल अधिक से अधिक आपको प्राप्त होगा। अब एक बार आप हमारे कहने से इस उपाय को करके अवश्य देखें। शुक्रवार के दिन से करना है, पूरे विधान के साथ से करना है और सबसे जरूरी बात कि आपको मन में माता लक्ष्मी का भाव अवश्य बनाकर रखना है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसे अपने घर में रखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपको धन को लेकर जो समस्याएं चल रही थी वह काफी हद तक समाप्त होने लगेगी, कटने लगेगी। अब प्यारे दोस्तों को लेकर जो समस्याएं होती हैं अक्सर इसी वजह से उत्पन्न होती हैं कि धन को लेकर बंधन कर दिया जाता है। या तो हम स्वयं ही अपने पैसे रुपए का धन का बंधन कर देते हैं या फिर किसी दूसरे के द्वारा बंधन किया जाता है। तो यदि आपके धन का बंधन किया गया है तो वह काफी हद तक कट जाएगा, आपको लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यदि आपके धन का बंधन किसी विशेष तांत्रिक क्रिया के द्वारा किया गया है तो वह इससे शायद ना कर पाए। तो यदि इस उपाय को करने के बाद भी रुपए पैसे की परेशानी, किल्लत आपके जीवन में लगातार बनी है तो आप अपने ऊपर किए गए धन के बंधन को कटवाने का प्रयास करें। इसके लिए भी कुछ विशेष उपाय होते हैं जो कुछ कुछ तांत्रिक क्रियाओं जैसे महसूस होते हैं, लेकिन वैदिक उपाय होते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का वंदन किया गया है, कोई तांत्रिक क्रिया की गई है, तो आप हमें कमेंट करके पूछें। हम अपने अगले ज्योतिष कार्यक्रम में आपको इस तांत्रिक क्रिया से मुक्त होने का बहुत ही शक्तिशाली वैदिक उपाय देंगे जिसको एक बार करने मात्र से ही आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नजर तो उस या कोई अला वाला तांत्रिक क्रिया की गई होगी उसे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 2 दिन में बड़ा बदलाव होने वाले, जो कि पूरी सप्ताह आपके जीवन पर ग्रह गोचर कौन कौन से परिवर्तन करेंगे चलिए जानते हैं। चंद्र राशि से बृहस्पति आपके दूसरे भाव में उपस्थित हैं, जिसकी वजह से इस सप्ताह व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी। लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गहलती न करते हुए सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें। ऐसे में अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें और अच्छी दिनचर्या को अपनाएं, अन्यथा आपको भविष्य में कुछ परेशानियों से 2-4 होना पड़ सकता है। चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह की शुरुआत भले ही आपके लिए आर्थिक मुद्दों को लेकर अच्छी हो, लेकिन सप्ताह के अंत में किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है जिससे आप परेशान होंगे। ऐसे में शुरुआत से लेकर अंत तक सही रणनीति के अनुसार ही अपना धन खर्च करें। परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताना इस सप्ताह आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके साथ वक्त बिताकर आप खुद को काफी तरोताजा महसूस करेंगे और साथ ही इससे आपको उनके जीवन से जुड़े कई हालातों के बारे में जानने का अवसर भी मिलेगा। इस समय आप उन्हें किसी समस्या से निकालने में भी सफल होंगे जिससे परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ सकेगा। इस सप्ताह नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक अपनी प्रतिभा का पूर्ण इस्तेमाल कार्य क्षेत्र में नहीं कर सकेंगे जिससे आपको करियर में आगे बढ़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
इस सप्ताह छात्र अपना मन शिक्षा से भ्रमित पाएंगे, जिसका सबसे मुख्य कारण घर परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ऐसे में जब भी समय मिले उसे बर्बाद करने की जगह एकांत में जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करें। उपाय: रोज हनुमान जी की पूजा करें तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है आप उसका प्रयोग करके अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आ पाएंगे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं।